आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। यहीं से कनरे जी, अगर रुख करें अगर आप कृषि जिन्सों की तरफ, तो हमने देखा है कि बिनौला खल अब धीरे धीरे तेजी की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। आपने कपास खली में पहले भी तेजी बताई थी और हमने तेजी बनते हुए भी देखी। अब यहां से आपको क्या लगता है, बिनौला खल आगे कहां तक जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये एक मोटे तौर पे ये खली का बाजारों में क्या भाव रह रहा है उसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं। सरसों खली राजस्थान में लगभग 2825 से 2950 के भाव के आसपास बताई जा रही है। सनफ्लावर खली अदोनी 3300 रुपए के आसपास बताई जा रही है प्रति क्विंटल, और सनफ्लावर सीड की जो है वो 4400 से 4500 रुपए है अदोनी के अंदर। मूंगफली की खली जो है अदोनी में 3300 रुपए प्रति क्विंटल है, और राइस बॉन्ड डीओसी जो है वो लगभग 8000 रुपए के आसपास है, ये 8000 टन के है। और मस्टर्ड डॉग जो की जो डीओसी है वो लगभग 24000 के आसपास है, और सोया डॉग 5700 से 5700 के आसपास है। ये तो एक मोटे तौर पर बात हो गई। अब बिनौला खली यानी कपास खली के अंदर तेजी की क्या वजह है उसको मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से कुछ बताने की प्रयास करूंगा, क्योंकि कपास खली सीधी तौर पे कॉटन यानी कपास की अराइवल या कपास के भावों से भी निर्भर करती है। यदि हम कॉटन की अराइवल देख लें, यदि सन 2020 से और 21 का और 21 और 22 का यानी पिछले साल यदि हम अक्टूबर से 15 दिसंबर तक देख लें, तो यदि हम लोग टोटल नॉर्थ जोन की तरफ जाएं तो 25,81,300 की जो अराइवल थी पिछले साल, और इस साल सिर्फ 15,84,100 ये अराइवल है। तो इसके अंदर बहुत बड़ी गिरावट नॉर्थ जोन के अंदर हुई है। नॉर्थ जोन में पंजाब, हरियाणा, अपर एंड लोअर राजस्थान, ये तीन राज्य आते हैं। अब हम सेंट्रल जोन की तरफ चलें, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो वहां पे 52,14,500 थी जो पिछले साल, इस साल घटकर 42,28,700 रह गई। इसके अंदर भी बड़ी गिरावट है। अब आप साउथ जोन की तरफ चलें, दक्षिण भारत के अंदर, तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये चार राज्यों का जो साउथ जोन है, इसके अंदर 20,28,700 की थी पिछले साल, जो इस साल घटकर 13,90,500 रह गई। अभी आप चले उड़ीसा और जो दूसरे जो इलाके हैं उड़ीसा, उसमें उस पिछले साल 45,000 थी, इस बार बढ़ के 66,400। सिर्फ उड़ीसा के अंदर बढ़त दर्ज हुई है, बाकी कहीं बढ़त दर्ज नहीं है, बड़ी गिरावट है। टोटल अराइवल यदि हम देखें तो 98,59,500 थी, जो इस साल घटकर 72,69,700 रह गई। तो 25,99,800 की जो अराइवल है वो पिछले साल के बनस्पत इस साल कम है, जो कि अक्टूबर से 15 दिसंबर तक के बीच का जो सीजन था कॉटन का, ये बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर जो है वो बाजारों की ये सामने आ रही है। अब मकसद ये है कि जब कॉटन ही नहीं आएगी तो कॉटन सीड कहां से आएगा, नंबर वन। नंबर टू, जब कॉटन सीड ऑयल की में प्राइसिंग में इंक्रीज है, क्योंकि माल किसान ला ही नहीं रहे हैं, और कॉटन के ऊपर भी हमने लगातार तेजी की बात कही थी, उस वक्त कही थी जब आपको याद हो सितंबर मंथ के अंदर जब कॉटन की अराइवल थी, फसल थी, उस वक्त लगभग सभी मार्केट एक्सपर्ट
कॉटन के अंदर मंदी की बात कर रहे थे, कपास के अंदर मंदी की बात कर रहे थे, सिर्फ कर्नल अजय और मार्केट टाइम्स टीवी अकेला खड़ा था जो कह रहा था तेजी की उम्मीद बन सकती है। बेचना मत, खरीदा ना, ना खरीदना आपकी मर्जी है, लेकिन बेच के मत चलना। और वही हाल हुआ कि कपास की बुरी तरह से तेजी दर्ज हुई और पूरे मिलर डीलर्स ये सारे परेशान हुए, क्योंकि उन्होंने उस वक्त घटे दामों पर कपास नहीं खरीदी, कॉटन नहीं खरीदी, और उसका आज भी ये लोग पछतावा कर रहे हैं जी। अब आपके सामने ये जो ग्राउंड स्थिति हमने चर्चा करी, वो चर्चा से आप समझ सकते हैं कि जब तक अराइवल ही नहीं होगा तो आपका सीड ऑयल कहां से निकलेगा, और सीड ऑयल नहीं निकलेगा तो बिनोला खल की स्थिति मजबूत ही रहेगी। अब ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाकी जो खली है, बाकी सीड्स की, उसके मुकाबले बिनोला खल सबसे सस्ती होती है, इसी वजह से इसकी रिक्वायरमेंट भी अधिक होती है और ये पशु आहार के रूप में बहुत प्रसिद्ध भी है। लेकिन रॉ मेटेरियल के बगैर आपको रेडी गुड्स नहीं मिल सकता, यही मेरा आपसे कहना है। तो कपास या खली के अंदर बहुत बड़ी मंदी की जो धारणा धार रहे हैं उनको बचना चाहिए, क्योंकि ये क्योंकि अक्सर टेक्निकल लेबल्स के ऊपर दो लेबल ऊपर और दो लेबल नीचे ये निकालना बहुत आसान है कि ये लेबल टूटेगा तो ये लेबल आ जाएगा, ये लेबल टूटेगा तो ये लेबल आ जाएगा, ये एक बहुत ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और इसके अंदर कोई महाभारत नहीं है, आप भी इसको सीख सकते हैं और 5 से 7 मिनट के अंदर आप इसको जानकारी रख दे, कभी कोई स्पेशल प्रोग्राम चलेगा तो हम इसको टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से होता है उसको भी दर्शकों को बताएंगे कि आप खुद लेबल निकाल सकते हैं, इसके अंदर कोई विशेष दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आप अराइवल का डिमांड एंड सप्लाई का सही तरीके से गणना नहीं कर पाएंगे, जो कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम लगातार आपको एडवांस बोलते हैं, तो ये स्थिति ये घर है कपास खली के अंदर जो लंबी मंदी की धारणा सोच रहे हैं उनसे उनको मैं यही कहूंगा कि हमारा मत यह है कि कपास खली के अंदर बड़ी मंदी की संभावना नहीं है जी। अखिलेश जी, तो काफी अच्छा एनालिसिस दिया है कर्नल जी ने, और उनके अनुसार कपास खली यानी बिनोला खल में ज्यादा मंदी की संभावना नहीं है। और ओवरऑल अगर फंडामेंटल्स को भी देखा जाए तो वो भी यही कहते हैं कि साल 2022 में भी कपास खली की कीमतों में अच्छी ही तेजी देखने को मिलेगी, इंडस्ट्रियल डिमांड काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है जिसकी वजह से कपास खली यानी बिनोला खल की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।